हाँ हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अपने कहाँ तक हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए थे। कहाँ तक हो गए थे? 16 तक। अब 17 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सभी स्टूडेंट म्यूट रखेंगे बेटा, माइक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्लास को। कोई भी स्टूडेंट डिस्टर्ब नहीं करेगा क्लास को, ध्यान रखें विशेष तौर पर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 4 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा इक्वल में 1 प्लस 10 थीटा और प्लस 4 थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा ही क्वेश्चन और है एक। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका बुक में देखेंगे आप, ऐसा ही क्वेश्चन एक और है। वो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 20 वाला। एक 20 नंबर का क्वेश्चन और है, वो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या लाना है, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले 17 वाला करवाऊंगा और फिर क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है वो करवाऊंगा, लेकिन उसमें पूरा नहीं करवाऊंगा, लास्ट की दो तीन स्टेप काम में आएगी अलग से, वो करवाऊंगा, ठीक है? देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अपन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एलएचएस की। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 4 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। सबसे फर्स्ट काम तो अपन ने ये लिख दिया स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, पहला काम क्या होता है, साइन कोस में बदलना, ठीक है? सबसे पहला काम क्या होता है, साइन कोस में बदलना। तो स्टूडेंट्स, इस टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने किसको लिखा है? इस टेन को लिखा है, ठीक है? अब देखिए, वन माइनस कोस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब देखिए, प्लस कोस को क्या लिखूंगा मैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन को क्या लिखूंगा, साइन अपॉन कॉस थीटा। स्टूडेंट्स यहां देखिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ऐसा का ऐसा अपॉन, यहां देखिए नीचे क्या एलसीएम आएगा, साइन थीटा एलसीएम आएगा। पहला काम होता है साइन और कोस में बदलना। अपन ने साइन और कोस में बदल दिया है सबको। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है एलसीएम लेना। स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपन साइन थीटा एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे? साइन थीटा एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे अपन ने साइन थीटा एलसीएम लिया, साइन को एक से गुणा किया, साइन थीटा माइनस साइन से साइन कटेगा क्या आएगा, कॉस थीटा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और बड़ा अपॉन,
यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, कॉस थीटा एलसीएम आएगा, कॉस थीटा एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा एलसीएम आएगा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ देखिएगा कॉस वन से मल्टीप्लाई होते हुए कॉस थीटा आएगा माइनस कॉस से कॉस, कॉस से कॉस कट गया, क्या आएगा साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया साइन आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको बात करें यहाँ क्या आने वाला है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो एक काम होगा, आपको पता है कि नीचे वाली चीज जो बड़े अपोन के नीचे है वो पलटी मार जाए, क्या बोला मैंने, जो बड़े अपोन के नीचे है ये बड़ा अपोन, इसके नीचे वाली चीज है वो पलटी मारेगी, मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा आएगा और इसको पलटी घुमाएंगे यानी कि घुमाएंगे तो क्या आएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है क्या है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी पलटी मारेगा तो क्या आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये घूमेगा कॉस ऊपर जा रहा है, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा ठीक है, और नीचे क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यह ठीक है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा साथ में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन प्लस में है कोस किस में है माइनस में है, ठीक है यहाँ पे साइन प्लस में है कोस किस में है माइनस में है, साइन प्लस में है कोस किस में है माइनस में है, यहाँ पे कोस प्लस में है साइन किस में है माइनस में है। ये वेद प्रकाश बेटा तेरे को कितनी बार बोल दिया मैंने, इसको ऑन क्यों कर रखा है माइक को वीडियो को, वेद प्रकाश कुमावत अब देखिए ये साइन प्लस में है कॉस माइनस में, यहां पे कॉस प्लस में है साइन माइनस में, देखिए दोनों को एक ही करना है यानी कि यहाँ साइन प्लस तो यहाँ पे भी साइन प्लस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स इसको तो मैं ऐसा का ऐसा ही लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह आएगा। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास पड़ा था ठीक है और साइन थीटा आपके पास पड़ा है, इन दोनों में माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं माइनस कॉमन ले रहा हूं, ये कॉल करके से बोलो आपकी क्लास में तो बोलो कौन है इंग्लिश मीडियम में तो बोलो क्लास नहीं है आपकी नहीं है क्लास। हेलो इंग्लिश मीडियम की नहीं है क्लास है साइन थीटा ऐसा का ऐसा इसमें साइन थीटा ऐसा का ऐसा साइन थीटा का ऐसा का ऐसा इन दोनों में माइनस कॉमन ले रहा हूं साइन थीटा ऐसा का ऐसा इन दोनों में क्या कॉमन ले रहा हूं माइनस कॉमन ले रहा हूं, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो स्टूडेंट्स जो प्लस का है वो तो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा,
मतलब ये इन दोनों में माइनस बाहर कॉमन होगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। आपके पास वहां क्या था, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, मैंने माइनस कॉमन लिया, ये तो बन गया प्लस ये, और ये बन गया माइनस ये। ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना है कि जब माइनस कॉमन लेते हैं बाहर, तो जो माइनस का है वो तो प्लस का बनेगा, और जो प्लस का है माइनस का। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का ही किसका है माइनस का है, तो कॉस स्क्वायर। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस ये माइनस माइनस बना देगा, ये प्लस ये माइनस इसको माइनस बना देगा, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, साइन प्लस का था कॉस माइनस का था, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का, तो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने से फायदा क्या होता है, जो माइनस का होता है वो तो प्लस का, और जो प्लस का होता है वो माइनस का। स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस बना देगा, और ये ऐसा था ऐसा। अब इसमें क्या एलसीएम आएगा, इसमें एलसीएम आएगा वो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में डब्बा बॉक्स आ रहा है, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, और इसमें कोस आ रहा है, इसमें साइन आ रहा है, तो दोनों ही आएंगे एलसीएम, दोनों ही एलसीएम। स्टूडेंट्स साइन इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो भी आएगा, कोस आ रहा है इसमें, इसमें नहीं आ रहा तो भी आएगा, इन दोनों में सेम आ रहा है तो एक आ जाएगा, ये क्या हो गया इसका एलसीएम। अब देखिएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, कॉस से कॉस कट गया, मतलब ये वाला तो बैक आ रहा, साइन साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होते हुए क्या आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से साइन कटेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कटेगा, कोस कोस स्क्वायर कोस कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होते हुए कॉस क्यूब थीटा आएगा। स्टूडेंट्स अपन ने अभी तक किया क्या, सबसे पहला काम क्या किया अपन ने, LHS लिखी, उसको साइन कॉस में बदला, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम लिया, ये इससे मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम, ये यहाँ आया और ये यहाँ आ गया। अब बड़े अपॉन से नीचे वाली चीज होती है वो पलटी मारती है, बड़े अपॉन से नीचे वाली चीज पलटी मराई तो ये पलटी मार के ऐसे आ गया, यहाँ पे भी पलटी मारेगा तो ऐसे आएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ये तो ऐसा का ऐसा नीचे वाला पलटी मार के भी ये आ गया, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा नीचे वाला घूम गया, देखिए साइन से साइन साइन स्क्वायर आ गया, कोस ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, साइन के का ऐसा का ऐसा, ये देखिए इसमें इसमें फर्क क्या है, माइनस का है, इसमें साइन प्लस का है, इसमें साइन माइनस का है। स्टूडेंट्स इसको तो मैंने ऐसा का ऐसा लिखा है, इसमें मैंने माइनस कॉमन लिया है, क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि मैं साइन बनाना चाह रहा हूँ, दोनों को इक्वल करना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब इसको और इसको मैं बराबर बनाऊंगा, बराबर बनाऊंगा तो इसमें क्या कॉमन आएगा माइनस कॉमन आएगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, कोस स्क्वायर ऐसा का ऐसा, साइन थीटा ऐसा का ऐसा, और ये ऐसा का ऐसा। अब इसमें एलसीएम लिया तो ये बॉक्स तो दोनों में आ रहा है, और इसमें साइन इसमें कॉस ये आ गया, इससे साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कॉस थीटा ये दोनों कट गए, साइन बचा,
साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, साइन क्यूब आ गया, माइनस ऐसा का ऐसा, इन दोनों से दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दिस इनटू दिस cos क्यूब थीटा आ जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डन। ओके ओके, अब मेरी बात सुनिए बेटा, जितना मैंने यहां से लेकर यहां तक करवाया है वो क्वेश्चन, बस फर्क क्या होगा, ये 1 plus tan थीटा यहां पे क्या आ जाएगा, 1 plus sec थीटा cos थीटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। यहां पे क्या आएगा, सिर्फ इसकी जगह क्या आएगा, ये लिखना है। क्या बोला मैंने, इसकी जगह क्या लिखना है, ये लिखना है। पूरा का पूरा काम कौन से क्वेश्चन में करना है, 20 नंबर वाले क्वेश्चन में। क्या बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स की, यस और नो? अगर बात समझ में आ गई तो यस, अदरवाइज नो, बोलिएगा। अरे बेटा मैंने क्या बोला, यहां से लेकर यहां तक बस सिर्फ यहां लिखना है 1 plus sec theta cos theta। एक बाण से दो निशान हो रहे हैं, एक तीर से दो निशान, तो काम बन रहा है ना। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करें, यहां पे ये ऐसा का ऐसा नीचे वाला, यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे जो नीचे अपोन है वो तो ऐसा का ऐसा, नीचे वाला जो अपोन है वो तो ऐसा का ऐसा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या बात समझ आ रही है? अब ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस a into b, a into क्या होता है, b होता है। a square plus a b plus b स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं यहां लिखा हूं फॉर्मूला, ठीक है, यहां क्या लिख रहा हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट्स इस बॉक्स से, ये वाला बॉक्स गया, क्या मैं सही बोल रहा हूं, अरे इस बॉक्स से ये बॉक्स गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको में क्या, चलो ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा साथ में कॉस थीटा। बेटा इतना काम, ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप, ये भी 20 वाले क्वेश्चन में करना है, 20 नंबर वाले क्वेश्चन में ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप भी करना है। अब क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अलग अलग डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, देखिएगा यहां पे मैं अलग अलग डिवाइड करता हूं, एक sin से
एक साइन कटेगा, क्या बोला मैंने, एक साइन से एक साइन कटेगा, यहाँ पे एक साइन से एक साइन कटेगा, एक साइन बचेगा, एक साइन बचेगा तो वो क्या होगा, साइन अपॉन कोस आएगा। अरे एक साइन से एक साइन कटेगा, साइन अपॉन कोस आएगा, और वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, वो क्या होगा, टेन थीटा होगा। इससे तो ये सारा ही कट गया, इससे तो ये सारा ही कट गया, वन आ गया। प्लस कोस से कोस कटेगा, एक कोस ऊपर बचेगा, नीचे साइन बचेगा, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोस थीटा। अब सॉरी, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। स्टूडेंट्स तो क्या हुआ इसका, वन को पहले लिखा, प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या यही लाना था क्या, और यही आपके पास क्या आ गई, आरएचएस, यही आपका क्या आ गया, आरएचएस। स्टूडेंट्स आरएचएस आ गया। अब माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो कहां से स्टार्ट करें और कहां खत्म करें। स्टूडेंट्स देखिएगा, तो 20 वाला क्वेश्चन है, यहां पे जो 20 लिख देंगे, यहां पे तो क्या लिख देंगे 20, और यहां पे ये हटा देंगे और क्या लिख देंगे, सिर्फ 1 प्लस sec थीटा cos थीटा। अब स्टूडेंट्स वो कैसे करेंगे, अब देखो, आप जब अभी स्क्रीनशॉट लिए थे वो पूरा का पूरा काम क्वेश्चन नंबर 20 में भी करना है। एक बार 20 वाला क्वेश्चन जो है ये चेक कर ले, एक बार चेक कर ले क्वेश्चन नंबर 20, देखिएगा 1 प्लस sec थीटा cos थीटा आ रहा है, हां ओके। देखिएगा स्टूडेंट्स जो अभी स्क्रीनशॉट लिया है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 20 में काम आएगा, बस ये चीज चेंज हो गई। अब आ गया, फिर वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये वाली स्टेप भी आएगी, कौन से क्वेश्चन में, 20 वाले क्वेश्चन में भी, इसमें तो आ ही रही है। इसके बाद ये वाली स्टेप भी आएगी, क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाली स्टेप भी आएगी, फिर आगे क्या आएगी वो लिख रहा हूं मैं यहां पे, क्या बात समझ में आ रही है, जो यहां पे लिख रहा हूं क्या लिख रहा हूं बताओ मेरे को, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स मैं यहां लिख रहा हूं कौन सा क्वेश्चन, 20 वाला क्वेश्चन, कहां लिख रहा हूं 20 वाला क्वेश्चन, इसके आगे लिख रहा हूं, इस स्टेप से आगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, मतलब 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, अपॉन में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, अलग अलग डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा। अब देखिए, अब आप मेरे को ऐसे बताओ 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec theta क्या होता है, क्या 1 upon cos theta क्या होता है, sec theta, ये इससे गया, ये इससे गया, क्या आया प्लस का 1, क्या यही प्रूफ करना है, अरे 1 को पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, मतलब क्या हुआ, 1 plus sec theta and cosec theta, वो यही आपका क्या है RHS। स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, 20 वाले क्वेश्चन में और 17 वाले क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और आपका टेस्ट में भी लूंगा मैं और प्री बोर्ड में भी लूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 में तो पूरा काम करने करना है, 20 वाले क्वेश्चन में एक तो ये चेंज करना है और इस स्टेप के बाद ये वाला करना है, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। जिसके वॉइस क्लियर नहीं आ रही उसके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इंटरनेट सही चल रहा है, वॉइस इज परफेक्ट आ रही है, डन ओके। ओके प्रियंका ओके, पलक यादव ओके, अंकिता कुमावत ओके, थैंक यू बेटा, सानिया खान, सुनील, सुधीर कुमार, विशाल यादव, डन ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स,
आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का सॉल्यूशन, प्रूव दैट, प्रूव करना क्या है स्टूडेंट्स, साइन थीटा 1 प्लस 10 थीटा और cos थीटा 1 प्लस cot थीटा इक्वल है 1 प्लस नहीं सिंपल है cosec थीटा साथ में sec थीटा। स्टूडेंट्स पहला काम होता है LHS लेके चलना, पहला काम क्या होता है LHS लेके चलना। फर्स्ट ऑफ ऑल LHS लेके चलेंगे sin थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस cot थीटा। LHS लेने के बाद अगली स्टेप होती है वो फर्स्ट स्टेप काउंट करते हैं और उसको क्या बोलते हैं sin और cos में बदलो। देखिए मैंने बोला था 99% क्वेश्चनों में sin और cos में ही चेंज करते हैं, इससे क्या होता है फास्ट आंसर आता है, फास्ट आंसर आता है। जैसे मान लीजिए आपको जयपुर से मान लीजिए आपको अजमेर जाना है, ठीक है, तो आप 2-3 रास्ते से जा सकते हैं अजमेर। तो ऐसे ही अगर आप LHS से आप RHS लाओगे 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है सबसे पहला काम क्या करते हैं साइन और कॉस में बदलना, चेंज करना। तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि खुद ही साइन थीटा है, और 1 प्लस cot क्या होगा cos थीटा अपॉन sin, नहीं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। मैंने अभी बोला आपको साइन को चेंज नहीं करेंगे, साइन तो खुद ही साइन cos में है, साइन को क्यों चेंज करेंगे, अरे साइन खुद ही साइन में है, tan को चेंज करेंगे वो साइन अपॉन cos प्लस cos थीटा। यहाँ पे 1 प्लस cot हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos 1 प्लस cos अपॉन sin, sin थीटा ऐसा का ऐसा। यहाँ पे sin cos में बदलने के बाद फिर क्या करते हैं LCM लेते हैं, अगली स्टेप क्या होती है LCM लेना। तो यहाँ पे cos थीटा यहाँ आएगा प्लस sin थीटा यहाँ आएगा प्लस cos थीटा ऐसा का ऐसा। यहाँ पे क्या LCM आएगा sin थीटा LCM आएगा, sin को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा आएगा प्लस cos को sin से sin कट गया ऊपर क्या बचा cos थीटा। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे देखिए इसमें और इसमें क्या एलसीएम आ रहा है, इस पूरे में और इस पूरे में क्या एलसीएम आ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा, बहुत एलसीएम। देखिए एलसीएम में दोनों आएंगे, साइन थीटा भी आएगा कॉस थीटा भी आएगा, कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया साइन बचा, कोस से कोस कट गया साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर आया, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा साथ में कौन आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस से नहीं साइन से साइन बटा, साइन से साइन बटा कोस, कोस से मल्टीप्लाई हुआ कोस स्क्वायर थीटा आया और
यहां पे क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स इसके बाद अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, इस पूरे में और इस पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है। ए बोलो क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अपोन में क्या आएगा, साइन थीटा साथ में कोस थीटा। अब यहां पे एक आइडेंटिटी लग रही है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और इसके अगले वाले की वैल्यू कितनी हो गई, वन। यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड करेंगे, क्योंकि कुछ फॉर्मूला नहीं लग रहा है, यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे तो वन है, वन से तो कोई मतलब ही नहीं होता है, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे ही कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। यह आएगा यहाँ पे देखिएगा, ये साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा, इसमें अलग डिवाइड किया, इसमें अलग, एक साइन सिर्फ एक साइन कटेगा, क्या बचेगा, वन अपॉन कॉस थीटा, कोस से कोस कट गया, वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन कोस क्या होता है, साइन थीटा, वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। स्टूडेंट्स और यही आपका क्या है, आरएचएस, आरएचएस इक्वल टू आरएचएस। देखिए स्टूडेंट्स आपको जो मैंने समझाया वो सारा समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। डन हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 20 हो गया, 20 तक हो गए, 19 वाला क्वेश्चन बच गया है, ठीक है। अब 19 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, स्टूडेंट्स आज का पढ़ाया हुआ सभी के समझ में आ गया बेटा, यस और नो।